देखिए, कार्यकर्ताओं के सहयोग से सब कुछ अच्छा हुआ और पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ रहा। मुख्यमंत्री जी ने दो बार सभाएं की, उनका भी आशीर्वाद रहा। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। भूपेंद्र यादव जी बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका भी सानिध्य रहा। तो मैं सबके आशीर्वाद से और सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने सीट जीती है। और पिछली दो बार में जो कमल का फूल नहीं खिल पाया था, इस बार रामगढ़ में खिला है। कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर ये माना जा रहा था कि मेवात की सीट है और वहाँ समीकरण इसीलिए टफ माने जा रहे थे कि ज़्यादा वोट वहाँ होते हैं और यही कारण है कि जुबेर जीत जाते हैं। देखिए, वो पहले जब सरकारें इनकी रही तो बूथ कैप्चर करते हैं। इस बार हमारे पुलिस प्रशासन ने इतना सहयोग किया कि अपनी अपनी वोट स्वतंत्रता से डालो। सब ने अपनी वोटिंग की, हमने किसी को वोट डालने से रोका नहीं। अपनी वोट डालने का सबको अधिकार है और बोगस वोटिंग नहीं हुई, उसका भी हमें फायदा मिला। उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, पुलिस का धन्यवाद। जब चुनाव होते हैं तो एक तरह से बगावत होती है। जब आप जय आहूजा चुनाव लड़ रहे तो आप मैदान में होते हैं, इस बार जय आहूजा को बैठा लिया गया तो क्या उसका भी एक बड़ा फायदा मिला? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सभी कार्यकर्ता एकजुट थे। और वहाँ जैसे पहले लोगों ने कह चला रखा था कि इसकी टीम उसकी टीम, जबकि कोई ऐसी टीम नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की टीम थी और सब ने एकजुट होकर काम किया। कल प्रभारी जी ने कहा कि अलवर में इस प्रकार बड़ा आरोप लगाया, जुबेर खान फर्जी दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तानी दस्तावेज बचाते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशों को बचाते हैं, टेररिज्म वहां पर है, अगर आर्यन जुबेर जीतता तो एक नया आधुनिक आतंक वहां पर आता। देखिए, ये बात सही है कि फर्जी वोट हैं, मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार वोट फर्जी है जो किसी ना किसी तरह प्लान करके वहां अभी बना हुआ है, उसकी भी हम जांच कराएंगे। और बाकी जो प्रभारी जी ने कहा उनको ज़्यादा पता है।